सर दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देसी ज़मींदार पे। आज हम आपको गुलाब की कलम कैसे लगाते हैं वो बताएंगे। दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास ऐसे गुलाब की कुछ डालियाँ होनी चाहिए, और इन डालियों को जैसे क्या हमने ऐसे बारीक काट लिया है, इन डालियों को क्या करना मैं आपको इसमें बताता हूँ। आपकी जो ये प्रूनिंग वाली सीजर होती है, इससे हमें क्या करना, कैंची से ऐसे काट लेना है, और फिर इन पत्तियों को ऐसे कट कर देना है। ये आपको सॉलिड डाली लेनी है, जैसे मैंने ये ले रखी है ऐसे। तो इसमें क्या करना है, आपको ये नीचे से स्ट्रेट नहीं रखनी, नीचे से आपको ये टेपर काटनी है, तिरछी काटनी है नीचे से ऐसे। और फिर क्या, आपके या तो आप जर्मिनेशन ऑयल ले सकते हैं जो उगाने के लिए सहायक होता है, या फिर आप शहद होता है आपके घरों में अवेलेबल, आप शहद में इसको ऐसे डुबाओ, और शहद को शहद में डुबाने के बाद इसको ऐसे रखो। इसमें आपको क्या करना है, डिस्पोजल, आपको डिस्पोजल, इन डिस्पोजल में आपको कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट और सिंपल मिट्टी का एक एक भाग मिला के और इसके अंदर डाल देना है। ये जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे, डालने के बाद आपको ये क्या करना है कि इसके अंदर सेंटर में ऐसे चुबा देना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो ये शाखाएँ निकली हुई हैं इनकी दिशा ऊपर की तरफ हो, और ये हमें पत्ते तोड़ देने हैं ऐसे। ठीक है, ये इसके अंदर लगाई और हमें ऐसे लग दी, ऐसे करके हम इसकी सभी काट लेंगे, और काटने के बाद ऐसे शहद में ड्रिप की और ऐसे लगा देंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उगी हुई शाखाएं हैं इनका मुंह ऊपर की तरफ हो, उल्टी नहीं लगानी है। ठीक है, मैंने ऐसे ही देखेंगे, ऐसे सब टेपर में कटिंग की हुई है, और जो शाखाएं उगी हैं इनकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, मतलब ये शाखाएँ ऊपर की तरफ ही निकलनी चाहिए। हमें क्या करना, फिर इसको शहद में डिप किया और अगले में लगा दिया। ये ध्यान रखें कि जो ये है ये बिल्कुल कच्ची ना हो, पकी हुई हो, अंदर जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये कम से कम ये हो। ठीक है, हम इसको निकाल दें क्योंकि हमने पहले से सॉलिड काटी हुई है अपने अकॉर्डिंग, और ये इसके अंदर लगा दें। फिर इसको भी ऐसे ही टिप किया शहद में, शहद ले सकते हैं, इसको सीड उगाने, ये कलम को उगाने का एक ऑयल भी आता है, जर्मिनेशन ऑयल, आप वो भी ले सकते हैं। ये लगा दी हम, हमारे पास ये रही, आप ये वाले लगा दी। ठीक है, और हमारे पास अब एक की जगह बची, हमारे पास और भी बची हुई है, ये वाले ले लेते हैं, ये थोड़ी सी पकी हुई लग रही, हम ये लेके ये भी लगा दी। ये दोस्तों हमने 10 लगाई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें पानी डालना है, और इस टाइप की जो पन्नियाँ होती हैं इन पन्नियों से हमें ये ऐसे कवर कर देनी है। ठीक है, ताकि इसके अंदर का पानी बाहर ना जाए और हमें दिखता रहे क्या इसके अंदर हो रहा है। पानी डाल के हमें ऐसे कवर करके और इनको धूप में रख देना है, तो ये 4 से 5 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगी। ये प्रोसेस है गुलाब का फूल लगाने का। हमने 2 तरह के लगाए, 5 एक तरह के हैं जो बड़े वाले होते हैं, और 5 हैं छोटे वाले। तो हम देखेंगे इनमें से इनका कितना प्रतिशत जर्मिनेशन लेवल रहता है। तो दोस्तों, हमारे ऐसे ही वीडियोज़ कंटिन्यू आपके पास आते रहेंगे, तो आप हमारे ऐसे वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।